करवा चौथ की आप सभी लोगों को मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं पहली बात तो। और देखिए मैंने खाने के आप लोगों के यहाँ क्या क्या पकवान बनता है, मैं देखिए स्टार्ट कर रही हूँ। पहले फरा, हमारे यहाँ फरा बनता है, सब्जी पूरी खीर कचौड़ कुछ भी बनाइए आप, अपना अपना वो अपने अपना नियम होता है अपने यहाँ का, इसलिए मैंने पहले फरे की स्टार्टिंग की है। ये देखिए अभी मैं इसमें खीर बनाऊंगी और सारी चीज आपके साथ शेयर करूंगी, सारी चीज चावल के लड्डू बनाऊंगी तो शेयर करूंगी अभी आप लोगों के साथ। और आप लोग की तैयारी होगी करवा चौथ की, शेयर करिएगा, कमेंट करिएगा, मुझे बताइएगा। आज सभी लोग व्यस्त होंगे। ये देखिए डाल दिया मैंने, और इसे डाल मैंने डाला था हरा धनिया खूब ढेर सारा, हींग और लहसुन मिर्चा हरा अदरक और नमक डाल के इसको मैंने तो पेस्ट बनाया था, मिर्ची इसको पीस लिया था, पीस के देखिए बस ये भरा भर के आटा गूंद के। हमारे यहाँ हरा बहुत मस्त है, हरा जरूर बनता है हमारे यहाँ, हरा है और चावल की पिंडी है सभी, मैं भी अभी शेयर करूँगी आपके साथ, वो भी तो मैं सारी चीज़ दिखाऊँगी आपको। ये देखिए एक एक करके कढ़ाई में डाल दूँगी, ये देखिए अभी पूरी बनाने को बाकी है, सब्जी अभी तो बस शुरुआत किया है मैंने, अभी लड्डू रखे हैं बनाने को, अभी बनाऊंगी। और आप लोग क्या पहन रहे हैं आज बताइएगा मुझको। ये देखिए सारे बन गए ऐसे, अभी मैं हर चीज़ बताऊंगी आपको, जो जो बनाऊंगी सब कुछ दिखाऊंगी आज, जो भी शेयर करूंगी आप लोगों के साथ जो भी बनेगा। अभी जब मैं पकने के बाद फिर दिखाऊंगी आपको। ये देखिए चलते हैं खीर बनाने हैं। देखिए चावल है, चावल को फ्राई करूंगी मैं हल्का सा, चावल को फ्राई कर लूंगी मैं ऐसे। हल्का सा घी डाल दिया, घी डालने के बाद हल्का सा फ्राई कर लिया चावल को। आज सुबह से लगे हुए हैं, बहुत सारा काम है, अभी तो पूरा खाना बनाने को पड़ा है। मैंने कहा आप लोगों के साथ शेयर करूँ मैंने क्या क्या बनाया है, मुझे बहुत कुछ बनाना है। देखिए चावल मैंने फ्राई कर लिया है, ये नया चावल का लड्डू भी बनता है, नया चावल की खीर मतलब बनती है, और मतलब हर चीज़ आज नया चावल ही प्रयोग होता है हर चीज़ में। देखिए इसको हल्का सा फ्राई कर लिया, इसको मैंने यहाँ पे रख दिया, चढ़ाऊंगी गुड़ इसमें डाल के। ये वाला नहीं क्या? नहीं, इसको साथ
चावल डाल दिया, देखिए चावल डाल दिया। इसके बाद ये आलू की सब्जी बनेगी, बनाऊंगी तो बताऊंगी आप लोगों को, दिखाऊंगी आप लोगों को, शेयर करूंगी। और ये देखिए मैंने शक्कर डाल दिया इसमें, अभी आराम से पकती रहेगी। शक्कर डाल दिया, गरी का बुरादा, गरी का बुरादा डाल दिया थोड़ा सा। खीर पक रही है। हाँ ये देखिए बन गई, फले तैयार हो गए, अरे मैंने ये खीर नहीं तैयार हो गई। और आप लोग ने भी ना बनाया तो इनको जरूर ट्राई करिए, बहुत अच्छे बहुत टेस्टी, क्या लाजवाब है ना। अब इनको जब ये ठंडे हो जाएंगे तो मैं फ्राई करूँगी शाम को, बहुत से लोग कच्चे खाते हैं, इनको मैं फ्राई करूँगी। देखिए खीर बन गई, अब जा रही हूँ पूरी, मैं सब कुछ शेयर करूँगी। अब जा रही हूँ गुलगुले बनाने, वो भी चढ़ते हैं हमारे पूजा में, सब कुछ मैं शेयर करती हूँ आपके साथ। ये देखिए मैं गुलगुले बना रही हूँ गुड़ के, इसमें गरी पड़ी हुई है, ये भी चढ़ते हैं पूजा में हमारे यहाँ। ये देखिए, हाँ ये देखिए छोटे छोटे गुलगुले, इसके बाद भी छोटी छोटी पूरी निकालूंगी, पूरी भी चढ़ती है करवा में पड़ती है। ये देखिए ये मैंने गुन के रखा है आटा, बनाऊंगी सारी चीज शेयर करूंगी आपके साथ सारी चीज। ये देखिए गुलगुला कितने बढ़िया बन रहे हैं, आप लोग क्या बनते कि नहीं बताइएगा। निकाल के दिखाती हूँ आपको, आप लोग की तैयारी कैसी चल रही भाई बताइएगा मुझे जरूर। थोड़ा मेहनत तो लगती है लेकिन फिर अच्छा भी लगता है, जब पूजा वूजा हो जाती है ना उसके बाद अपना बड़ा अच्छा लगता है कि अच्छे सब कुछ हो जाए। ये सब रखा रहता है खाने में मजा आती है।
देखिए बन गए गुलगुले। ये गुड़ के गुलगुले जब गुड़ बन जाते हैं कड़वा चावल में कहते जरूर चढ़ाना चाहिए, गुड़ की चीज़ जरूर चढ़ाना चाहिए। हम लोग कड़वा में भरते हैं चूड़ा गट्टा चावल की पिन्नी, जो भी मैं शेयर करूँगी आपके साथ दिखाऊँगी। ये देखिए गाइस पूरी हम बन गई है, जो मैंने पूजा के लिए पूरी बनाई है इतनी छोटी छोटी, और ये खाने के लिए पूजा के बाद, और उसके बाद मैं सब्जी चौकूंगी। देखिए बन गई पूरी है। आलू गोभी की सब्जी है, एक्स्ट्रा तेल आलू गोभी की सब्जी है। ये देखिए देखिए सब्जी बन के तैयार हो गई आलू गोभी की। और देखिए मैं चावल की लड्डू बना रही हूँ, देखिए रोटी बना चुकी हूँ, दो आपको बना के दिखाती हूँ। ऐसे सारे लड्डू बना लूंगी और ये पूजा में चढ़ेंगे, ऐसे सारे ऐसे बना लूंगी, ऐसे गोल गोल करके। ये लगता है भाई इसमें सारे। ये देखिए अरे तल लिया मैंने लाल लाल आलू को, मैंने काट लिए थे पहले कच्चे काट के रख दिया, उसके बाद एक काट कितने लाल और कितने कुरकुरे कुरकुरे, उनको देखिए चार साथ खाए में बहुत अच्छे लगते हैं। ये देखिए लाल और भी कुरकुरे हो गए हैं, ये देखिए एकदम लाल कुरकुरे निकाल के मैं अब कढ़ी बनाऊंगी, इसमें छोंकूंगी। ये पकौड़े के लिए कर रखा है मैंने पेस्ट तैयार किया है पकौड़े के लिए, करी के लिए। देखिए मैं निकालती हूँ, ये देखिए करी तो मैं कितनी बार आप लोग का शेयर कर चुकी हूँ, लेकिन फिर भी आप बता दिखा रही हूँ आपको जैसे बनाते हुए। देखिए कुरकुरे तैयार हो गए, इसमें मैं पकौड़ी निकाल लूंगी थोड़ा तेल डालकर। ये देखिए कढ़ी का कढ़ी की पकौड़ी बना रही हूँ मैं, चाय के साथ खाओ ना बहुत अच्छे लगते हैं। अभी आप लोग ट्राई करिए तलिए का, जब कभी बनाएंगे तो ट्राई जरूर करिएगा। पकौड़ी बना लिया, कढ़ी बन जाए, कढ़ी इसमें बनाऊंगी चावल, इसमें थोड़ा चावल बनाऊंगी, बस हो गया। अब पूजा की तैयारी करूंगी,
पकौड़ी बनी है साफ है ना, क्यों खड़े बना के मैंने दिखा दिया, सब कुछ शेयर कर दिया आप लोगों के साथ। एक कड़ी चौंक रही हूँ, दिखाती हूँ फिर आपको। अब देखिए मैं कड़ी चौंक रही हूँ, डाल दूंगी मेथी तीन पकौड़ी। कहते तो कई बार मैंने शेयर किया आप लोगों के साथ, मीठी नीम डाल दी है, लहसुन है, लहसुन है, मीठी नींद आ गया अचानक से। बस थोड़े चावल बना लूंगी, बस ये चावल लग के थोड़े चावल बना लूंगी, बस बन गया खाना। अभी चावल अच्छा लगता है खाने में, चावल जल्दी चलाना बहुत आवश्यक होता है, क्योंकि अगर नहीं चलाएंगे तो फट जाएगी कहीं, इसलिए चलाती रहूंगी। बस ये चावल थोड़े से डाल दूंगी, बन के तैयार हो गई। उबल जाए तो पकौड़ी डालूंगी, नमक एकदम बाद में, फिर लास्ट में मिसाद मिसाद डाल दूंगी थोड़ा सा। शाम की होगी तो आज में 6 बजे जा रहा है सारे काम, देखिए बस उबल जाएगी पकौड़ी डाल दूंगी, बाकी प्याज पे चावल डाल दूंगी थोड़े से, बस बन गई ना, इसे पकौड़ी डाल दूंगी ऐसे दबा दबा करके, ये देखिए बन गई कढ़ी। इसमें चावल डाल दूंगी, ऐसे चलाते रहेंगे बन।
देखिए कढ़ी बन के तैयार हो गई। करवा चौथ में कढ़ी जरूर बनाना चाहिए, बहुत शुभ मानी गई पीली चीज, इसलिए कढ़ी जरूर, इसलिए मैंने कढ़ी बनाया है। देखिए बन के तैयार हो गई कढ़ी, आप लोग भी जरूर बनाइएगा। बाय बाय।